नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं फिर से अपना CHSL का एक एग्ज़ाम, यानी कि जो हमारा यहाँ पर हुआ था 4 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में, वो वाला पेपर हम आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आपको मेथड अच्छे लगे तो आप इस सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन 2 की पावर 24 -1 इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज, यानी कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 की पावर 24 -1 और इसको आपको करना है 7 से डिवाइड। तो इसको आप 7 से डिवाइड किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 8 -1 ओवर 7 और यहां पर भी ओवर 7। तो इसको मैंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया। अब आपको यहां पर दिया हुआ है ये 8, 8 की पावर यहां पर 7, 8 अपॉन में 1, 7 माइनस 1 अपॉन 7। तो जब आप यहां पर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 8। ये आपके पास 1 की पावर 8 बचा, यानी कि 1 की पावर 8 आप 1 यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर आपका माइनस दिया हुआ है तो ये हमने माइनस ले लिया, और जब आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहां पर 1 ही बचेगा। तो यहां पर 1 -1 आपका यहां पर 0 हो गया, यानी कि जब इसको आप यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहां पर 0 बनेगा। मतलब ये वाला जो टर्म है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आपका क्या है, यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां पर आप इसको बना सकते हैं। किस तरीके से, आपके पास है 2 की पावर 24, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 2 की पावर 12 और यहां का स्क्वायर और 1 की पावर 12, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 माइनस का 1 और 2 की पावर 12 प्लस का 1 आपके पास यहां पर आ गया। अब आप फिर से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर यहां पर 6 माइनस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आपका इस तरीके से ही रहेगा 2 की पावर 12 प्लस 1। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 -1 और यहाँ पर 2 की पावर 6 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, और ये 2 की पावर 12 आपके पास यहाँ पहले से ही है। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 2 की क्यूब इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 6 प्लस 1 और 2 की पावर 12 प्लस 1। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 -1 और 2 की पावर 3 प्लस 1 और 2 की पावर 6 प्लस 1 और 2 की पावर 12 प्लस 1। तो ये टर्म आपके पास फाइनली निकल कर आ जाएगी। अब आपके पास जो ये है 2 × 4 × 8, 8 में से 1 गए 7, और सभी जब ये आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, ये सभी आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो आप यहां पर जब इस पूरी टर्म को करेंगे 7 से डिवाइड यहां पर, तो ये जब मल्टीप्लाई में है तो 7 यहां पर आया हुआ है, तो पूरी टर्म आपकी 7 से कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका रिमाइंडर जो बचकर आएगा वो रिमाइंडर आपका 0 बचकर यहां पर आएगा। तो दूसरा तरीका ये था, ये इसको कंप्लीट सॉल्व करने का तरीका है। इसको कंप्लीट सॉल्व किया, यहां हमने अपना डायरेक्ट मेथड लगा दिया 2 की पावर 3 की पावर 8, और 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 8 1, और यहां पर जब आपको 1 को 7 से डिवाइड करना है तो आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आपका -1 और आपका यहां पर 0 निकलकर आ गया। तो ये था दूसरा तरीका और पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए प्लस बी प्लस सी इक्व टू 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्व टू 301, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमको फाइंड करना है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 7, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ABC इक्व टू आपको 301 दिया हुआ है, और हमें जो फाइंड करवाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर फाइंड
करवाना है। तो ये इसका फॉर्मूला आप जब एक्सपेंड करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अंडर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca, और ये आपका 301 के बराबर हो गया। यानी कि इसको हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 7 है, इसका यहां पर 7 का स्क्वायर करना है माइनस 3, अंदर में आपका ab प्लस bc प्लस ca, और यहां पर आपका 301 आ गया। अब 7 से इसको काटा तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, और जब यहां पर आपका कितना जाएगा 49 माइनस 3, ये आपकी कंप्लीट टर्म यहां पर आ जाएगी और ये आपका 43 हो गया। अब आपका ये माइनस 3 इधर चला जाएगा, 43 इधर आ जाएगा, तो आपका कितना बचा, 9 में से 3 जाएंगे 6 इक्वल्स टू आपका 3ab प्लस bc प्लस ca, और यहां पर आपका ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 2 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, और बाकी आपने सभी टर्म को यहां पर रख दिया और आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इतनी आसानी से यहां पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ कोड ab एंड डायमीटर cd इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई इनसाइड द सर्कल, इफ AOD इक्वल टू 42 डिग्री एंड BOC इक्वल टू 104 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ एंगल AED। तो आपको यहां पर दिया हुआ है एक सर्कल जिसमें डायमीटर CD और कॉर्ड AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर सर्कल के अंदर। ये कॉर्ड AB यहां पर हो गई। अब आपको दिया हुआ है ये ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपका जो AOD हो जाएगा, यानी कि ये मैंने मान लिया कि आपका ये यहाँ पर O है, सेंटर है सर्कल का। AOD आपको दिया हुआ है 42 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका 42 डिग्री है, और BOC यानी कि आपको जो दिया हुआ है ये वाला एंगल आपको 104 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये 104 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 76 डिग्री हो गया। अब OB और OA आपके रेडियस हैं, दोनों बराबर हैं, तो आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा जिसका एक एंगल तो आपका हो जाएगा कितना, 811, यानी कि 118 डिग्री आपका ये वाला एंगल हो गया। बाकी आपके बचे हुए कितने हो जाएंगे, इसमें से हमने जब इसको घटाया तो यहां पर आपका 62 डिग्री आ गया, तो ये एंगल आपका 31 डिग्री का निकल कर आया और ये एंगल आपका 31 डिग्री का निकल कर आ गया। अब आपसे यहां पर क्या पूछा हुआ है, AED, अगर आपका ये एक ट्राइंगल यहां पर है तो ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये आपका 42 प्लस 31 यहां पर 73 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होना था। आपको दिया हुआ था CD AB को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर और AOD 42 है, BOC 104 है, BOC से हमने यहां पर BOE निकाला जो कि 76 है, दोनों को जोड़ा तो 118 आ गया। अब OB और OA आपके रेडियस हैं तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा और ये वाला 31 आ गए। अब AOE आपका एक ट्राइंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल आपका AED है, तो आपका 42 और 31 73 डिग्री यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ x²-3√2x+1=0 What is the value of x³+1/x³? तो आपको यहां पर सिंपल सा दिया हुआ है x²-3√2x+1=0 और आपसे पूछा हुआ है x³+1/x³ आपका यहां पर कितना होगा। तो इसको हमने यहां पर क्या किया, x²+1=3√2x और x+1/x=3√2 यहां पर कर दिया। तो जब आपके पास x+1 x होता है और x³+1/x³ निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, इसका क्यूब करेंगे, x³+1/x³ निकालने के लिए आपने किया 3√2 का होल क्यूब माइनस 3 × 3√2, यानी कि अगर ये आपका a है तो आपको a की क्यूब माइनस 3a करना होता है जब x+1/x दिया हो और x³+1/x³ निकालना हो।
तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 3 * 3 = 9 * 27 * 2 = 54, 54 √2, और यहां पर आपका 3 * 3 = 9 √2, तो आपका यहां पर 45 √2 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल यहां पर आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x = 0, एक्स की एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन x² - x² ((x²) - 2 आपको यहां पर निकालना है। आपको दिया हुआ है x² + 1 - 2x = 0, जहां x > 0 है और x² - 2 आपको यहां पर निकालना है। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका जो बना हुआ है, ये आपका x - 1 का होल स्क्वायर यहां पर बना हुआ है, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो x - 1 का स्क्वायर आ गया और x = यहां पर आपका 1 निकल कर आ जाएगा। माइनस 1 मैं यहां पर इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आपका x > 0 है, तो x का आपको 1 लेना है। तो ये आपका 1 का स्क्वायर अंदर 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपका 1 - 2 आपका यहां पर माइनस 1 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो गया। सिर्फ ये आपको देखना था कि ये आपको दिया क्या हुआ है, तो ये आपका x - 1 का होल स्क्वायर था, x की वैल्यू निकाली, यहां पर पुट करी और आपका आंसर -1 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी, इफ सी डी = 11.6 cm, पी डी = 6.4 cm एंड पी बी = 7.2 cm, देन ए बी इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो अब आपको यहां पर दिया हुआ है एक सर्कल जिसके दो कॉर्ड एक्सटर्नली यहां पर पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पी पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो कॉर्ड हमारे पास क्या है, ए बी और सी डी हमारे पास है। तो हमें क्या क्या गिवन है, सी डी हमें 11.6 यहां पर गिवन है, डी पी 6.4 गिवन है, बी पी 7.2 गिवन है और ए बी हमसे यहां पर पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए ए पी इंटू बी पी इक्वल टू आपका कितना होता है, सी पी इंटू डी पी यहां पर हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होती है कि आपका जब दो कोड इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो बाहर इंटरसेक्ट करें चाहे अंदर इंटरसेक्ट करें, आपका यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट का यहां पर नाम P है, तो AP into BP equals to CP into DP हो जाता है। अब यहां पर आपको AP कितना लेना है, AB आपने X ले लिया, तो x + 7.2 और यहां पर आपका 7.2 इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा, 11 * 6 = 17 और 18 * 6.4 आपका यहां पर आ गया। पॉइंट से आपने पॉइंट हटाया, 18 से गया 4 बार और 4 से ही कितना चला जाएगा, 4 से चला गया है 16 बार। तो x = आपका 16 - 7.2 आ गया और x = आपका 8 और यहां पर कितना आ जाएगा, 15 में से साथ जाएंगे 8 और x = आपका 8.8 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो आपसे AB की लंबाई पूछी थी, AB को हमने x लिया था और ये आपका 8.8 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ 2 cos² θ = 3 1 - sin θ, 0° - 90° के बीच में थीटा दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2θ + cosec 3θ - sec 2θ, यानी कि सबसे पहले हमें यहां पर थीटा की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो आपको दिया हुआ है 2 cos² θ, उसके बाद आपको यहां पर दिया हुआ है 3 1 - sin θ और आपको यहां पर जो निकालना है वो आपको निकालना है tan 2θ + cosec 3θ और माइनस का यहां पर आपका sec 2θ। तो ये आपको यहां पर वैल्यू निकालनी है, तो आपको सबसे पहले थीटा को यहां पर निकालना पड़ेगा और थीटा आपको दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में, यानी कि आपके पॉजिटिव वैल्यू यहां पर सभी के आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर चाहे तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, इसको मैंने ले लिया 2 1 - sin² θ, इसको इक्वल टू 3 - 3 sin θ यहां पर लिख लिया, ये कितना हो जाएगा 2 - 2 sin² θ इक्वल टू 3 - 3 sin θ यहां पर आ गया। अब 2 sin² θ इधर चला गया -3 sin θ और आपका यहां पर कितना आ जाएगा, जब ये इधर चला गया पॉजिटिव, ये इधर चला गया तो नेगेटिव और 3 - 2 आपका प्लस का 1 निकल कर आ गया इक्वल टू 0। अब ये आपका 2 * 2 और आपको यहां पर 3 बनाना है,
तो यहां पर आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 आपका इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहां पर आपका 2 साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा माइनस का 1, और यहां पर आपने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो साइन थीटा माइनस का 1 यहां पर आ गया। ये आपका साइन थीटा माइनस का 1 है और ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है इक्वल्स टू में 0। तो साइन थीटा की वैल्यू, ये आपका 2 साइन थीटा यहां पर आपका माइनस का 1 है, तो साइन थीटा आपका कितना आ गया, साइन थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू आपकी 2 आ जाएंगी यहां पर, एक तो 1/2 आएगी और एक 1 आएगी। तो साइन 91 होता है, लेकिन आपको थीटा 0 से 90 के बीच में लेना है, तो आप 1/2 को यहां पर कंसीडर करेंगे और थीटा आपका 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा। थीटा आपका यहां पर 30 डिग्री निकल कर आ गया। अब आपका थीटा 30 डिग्री है, तो टेन 2 थीटा यानी कि आपको निकालना है कितना, आपको यहां पर लेकर चलना है, यहां पर आपको लेकर चलना है 1060 जो कि आपका √3 हो जाएगा, प्लस कॉसेक 30 यानी कॉसेक 90 आपको लेकर चलना है, तो साइन 91 होता है, कॉसेक 90 भी आपका 1 हो जाएगा, और आपको यहां पर लेकर चलना है सेक 60, तो सेक 60 आपका कितना होता है, कॉस 60 आपका होता है यहां पर 1/2, तो सेक 60 आपका माइन यहां पर 2 हो जाएगा और √3 - 1 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया, यहां पर 2 वैल्यू साइन थीटा की आ गई 1/2, 1 थीटा को हमने 30 इसलिए लिया क्योंकि थीटा आपका 0 से 90 के बीच में लेना था, ना कि 90 के बराबर ले सकते थे, तो हमने 1/2 को कंसीडर किया। साइन 1/2 आपका साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 यानी कि थीटा 30 डिग्री आ गया और हमने यहां पर वैल्यू रखी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पर आपको लगाना है बोर्ड मास का रूल। तो एक एक स्टेप काफी ध्यान से करना पड़ेगा, एक एक स्टेप को यहां पर बहुत आराम से लगाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर किस चीज से स्टार्ट करूंगा, इस ब्रैकेट को यहां पर हटाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, 2/4 यानी कि सबसे पहले ऑफ हटेगा, तो 4 × 16 यहां पर हो गया क्योंकि ऑफ हटने पर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई का अगर साइन दिया हुआ है और डिवाइड दिया हुआ है तो पहले डिवाइड होगा, लेकिन अगर ऑफ दिया हुआ है तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपका 2/16 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1/8 आपका ये हो जाएगा। अब मैंने सारे ब्रैकेट यहां पर हटा दिए, अब आपका यहां पर ये वाला ब्रैकेट हटेगा, 9 में से 11 जाएंगे, माइनस का 2 आएगा और माइनस माइनस आपका यहां पर प्लस हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर प्लस का 2 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका यहां पर 2 × 8 और ये आपका यहां पर 16 निकल कर आ गया। अब ये 4 × 3 = 12 है, ये 16 है, 12 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो जब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहां पर आपका ब्रैकेट के साथ में ऑफ दिया हुआ है, तो आपका यहां पर इस ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर जब इस ऑफ को सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, 112 आपका निकल कर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इतना सा यहां पर बच गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका 56/112 यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो ये अपॉन में 112 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 8 × 1 = 8 और 8 × 4 = 32 यहां पर 8 × 7 = 56 यानी कि 7, ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 2 times इससे चला गया तो ये केवल आपका यहां पर 1/2 बचकर आ गया। तो ये आपका यहां पर 1/2 निकल कर आ गया। अब आपका ये कितना है, 8/2 of 4 - 1/2, तो आपका पहले ऑफ सॉल्व होगा और ये आपका आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब आपका यहां पर डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई यहां पर 8/6 हो जाएगा। अब बस इसको यहां पर सॉल्व करना है, तो 2 × 3 = 6 यहां पर किया, इसको 3 किया, 8 - 3/6 और आपका यहां पर 5/6 निकल कर आ गया। तो एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से यहां पर करना पड़ेगा जिससे आपका कोई भी स्टेप गलत ना हो और आपका आंसर यहां पर फाइनली सही निकल कर आए। वरना अगर आपने कोई भी स्टेप बीच में गलत कर दिया और आपको पता नहीं चला तो आपका आंसर गलत निकल कर आएगा और आपका सारा टाइम यहां पर वेस्ट
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 156 एंड 46.8, इफ बी सी इक्वल टू 19.5 एंड क्यू आर इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब आपको यहां पर दो ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हुए हैं तो आपको पता होगा जो उनके पेरीमीटर का रेशियो होगा वही उनके साइड का रेशियो यहां पर होगा। तो आपको कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर का रेशियो आपका हो जाएगा 156 बाय 46.8 इक्वल टू एबीसी की जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है 19.5, और आपको एक्स की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आपका कितना हो जाएगा, 19.5 इंटू 46.8 अपॉन में आपका 156। तो ये बस आपको यहां पर सॉल्व करना है और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो 156 से ये कितनी बार जाएगा, 156 से ये चला जाएगा 0.3 टाइम्स। तो 0.3 टाइम्स ये चला गया। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करानी है, 5 × 3 = 15, 9 × 3 = 27 और 1 = 28, 3 × 3 = 5, और ये आपका 5.85 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, तो x की वैल्यू आपकी 5.85 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, पेरीमीटर दिए हुए थे दो ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल की एक साइड दी हुई थी, दूसरी पूछी हुई थी, वो हमने यहाँ पर निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, ए कैन कंप्लीट अ वर्क In 30 days, he started the work after 4 days. B joined him and the whole work was completed in 10 days from the beginning. B alone can complete 1/3 of the same work in. यानी कि A किसी काम को यहाँ पर 30 दिन में कर सकता है, तो अगर A ने काम स्टार्ट किया और A ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद B ने उसको ज्वाइन कर लिया और पूरा काम 10 दिन में यहाँ पर खत्म हो गया स्टार्टिंग से, यानी कि जो ए ने 4 दिन काम किया, ए का 26 दिन का काम अभी बचा हुआ है, और ए के साथ अब बी भी आ गया, तो वो काम टोटल 6 दिन में उसने खत्म करवा दिया। यानी कि जो ए काम ए को 26 दिन में करता, वही काम ए प्लस बी ने यहां पर 6 दिन में कर दिया। तो इसको आप किस तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा 13 × 26, 2 × 3 = 6, तो यहां पर आपका 13 × 6 = 78, यानी कि यहां पर आपका ये जाएगा 13 × 26 = 78, यानी कि आपका जो ए की एफिशिएंसी है वो आपकी 3 है और बी की एफिशिएंसी आपकी यहां पर 10 निकल कर आ जाएगी। तो ए किसी काम को 30 दिन में करेगा और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 90, तो 90 का 1/3 आपका यहां पर 30 निकल कर आ गया। तो 30 काम बी को करने में कितने दिन लगेंगे, तो बी की एफिशिएंसी 10 है और काम आपको 30 कराना है, तो बी उस काम को 3 दिन में खत्म कर देगा। तो इतनी आसानी से यह वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें दिया हुआ था एक किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, उसने 4 दिन काम किया, लेकिन अभी वो 26 दिन और काम करता जब उसका काम पूरा होता, लेकिन आपका क्या हुआ कि आपका 4 दिन बाद बी आ गया और स्टार्टिंग से लास्ट तक 10 दिन में वो खत्म हो गया, यानी कि ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में कर देते हैं। आपने यहां पर टोटल यहां पर वर्क निकाल लिया, अगर इस तरीके से काम होता, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, टोटल वो 30 दिन में काम करता है, काम 90 हो गया, 1/3 = 30 हो गया, तो 1/3 काम करने में बी को 3 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इज 10% पर एनम इज ₹279, देन द सम इन ₹ इज। तो आपको यहां पर जो दिया हुआ है सीआई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है 3 साल के लिए, वो आपको ₹279 यहां पर दिया हुआ है। रेट परसेंट आपका 10% है, सी आई आपका पर ईयर यहां पर कंपाउंडेड है। तो आपको पता होगा अगर आपका यहां पर एस आई होता तो एस आई आपका 3 साल के लिए 30% यहां पर हो जाता, और आपका यहां पर जो सी आई है वो सी आई आपका कितना निकल कर आएगा, सी आई आपका 33.1% आपका निकल कर आएगा। तो किस तरीके से निकल कर आएगा ये आप देख लेंगे कि जैसे आपका एक साल में 10 से 11, दूसरे में 10 से 11, तीसरे में 10 से 11, तो ये 1000 से आपका 1331 हो गया, यानी कि 331 अपॉन 1000 इंटू आपका 100, 0 से 0 चली गई और 33.1% आपका इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका 33.1 यहां पर परसेंटेज निकल कर आया।
अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3.1%, जिसकी वैल्यू आपको 279 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 279 × 100/3.1, पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, ये इससे 9 times चला गया और ₹9,000 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से यहां पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 90 degrees, एबी इक्वल टू 20 centimeters एंड बीसी इक्वल टू 29 centimeters, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी माइनस कॉट सी। तो आपको यहां पर दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल आपको ए पर यहां पर दिया हुआ है, यानी कि ये ए है, इसको बी मान लेंगे और इसको यहां पर सी हमने ले लिया। ए बी आपको दिया हुआ है 20 centimeters, तो ए बी 20 हो गया, और बी सी आपको दिया हुआ है 29 centimeters, ये 29 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ट्रिपलेट होता है 20, 21, 29 का, तो ये आपकी साइड 21 निकल कर आ गई। अब आपसे जो पूछा है साइन बी माइनस कॉट सी आपसे यहां पर पूछा है, तो सिंपल सा, जब आप इस वाले एंगल को यहां पर लेकर चलेंगे तो ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका साइन भी हो जाएगा, यानी कि आपका 21/29 यहां पर आ जाएगा। माइनस कॉट सी आप लेकर चल रहे हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आपका 21/20 यहां पर आ जाएगा। अब आपने इसका एलसीएम ले लिया तो यहां पर 580 आ गया, और ये आपका कितना आ गया यहां पर 20, तो 420 यहां पर आया, माइनस 21 और 29 की जब आपने मल्टीप्लाई कराई तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 9, 2, और ये आपका 58, यानी कि 609 आपका यहां पर निकल कर आ गया। 9 यहां पर ऐसे आया, 10 में से 2 जाएंगे 8, और 5 में से 4 गया 1, माइनस का 189 और आपका 580, जो कि आपका ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये वैल्यू आपको रखनी थी, और एंगल आपको पता होना चाहिए कि साइन में आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेना होता है, और कॉट में आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। तो इसको मैं स्टार्टिंग से यहां पर लेकर चल रहा हूं, तो आपके जो दिए हुए हैं कितने दिए हुए हैं, 55% मेल दिए हुए हैं, तो ये 55 मान लिए और ये 45 बचे, तो ये मेल हैं और ये आपके फीमेल हैं। उसके बाद दिया हुआ है इफ 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, यानी कि इसका अगर मैं 40% निकालना चाहूं तो 40% आपका 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 यानी कि 5, 11, 22, 22 मेल इलिटरेट हैं और 33 मेल आपके लिटरेट यहां पर हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, यानी कि इसका जो 40% है, यानी कि इसका 40% 2/5 कितना हो जाएगा, 5 × 45, 9 × 18, और ये आपका कितना बचेगा 27। ये लिटरेट हैं और ये इलिटरेट हैं। अब आपके पास यहां पर दिया हुआ है देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन दैट ऑफ द इलिटरेट मेल। इलिटरेट फीमेल यानी कि 27 कितनी ज्यादा है यहां पर इलिटरेट मेल से, 22 यहां पर आपका आ गया, 27 − 22/22 यहां पर आएगा इनटू 100, तो ये आपका कितना हो गया, 27 में से 22 जाएंगे 5, तो ये आपका 5/22 × 100, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 50 बार, 5×5 = 2500, 250 / 11, 11×2 = 22, आपके पास बचा 30, और 11 तिया यहां पर कितना आ जाएगा, 11×2 = 22 फिर से आ गया, आपके पास 8 बचा, 11×7 = 77, तो यहां पर आपके पास 22.7% आपका निकल कर आ जाएगा। तो इतनी आसानी से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन आप एक एक चीज को बार बार यहां पर लिखते हुए चलें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल में बाय चांस यहां पर गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाय सेलिंग 3 dozen ऑरेंजेस ₹4.405 और ट्रेडर लूजेस 25%, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹2.88 इफ ही नीड्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द ट्रांजेक्शन। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि उसने ₹405 के 3 dozen यहां पर ऑरेंजेस बेच दिए, तो उसको 25% का घाटा हुआ, 25% का घाटा यानी कि आपका 1/4, तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आपकी 405 है, तो 4 की वैल्यू आपकी 405 × 4/3,
चार से जाएगा कितनी बार, जीरो, चार तीन एकम तीन, और यहाँ पर तीन तिया नौ, तीन पंजे पंद्रह, और आपका यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, पाँच चौक बीस, चार तिया बारह, दो चौदह, और चार एकम चार, और एक पाँच आपका निकल कर आ गया। यानी कि जो उनकी वैल्यू थी तीन डजन ऑरेंजेस की वैल्यू आपकी 540 थी, तो अब उसे यहां पर कमाना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 20% का कमाने के लिए पांच की वैल्यू अब आपकी कितनी हो गई, 540, तो छह की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 6 × 540 अपॉन में आपका यहां पर पांच आ गया, पांच से इसको काटा 108 टाइम्स, और ये आपका 648 आ गया। यानी कि 648 के उसने यहां पर कितने बेके, 648 के तीन डजन यानी कि 36 ऑरेंजेस बेके। तो अब आपको बताना है कि 288 के वो कितने बेकेगा, तो 288 यहां पर आपको दिया हुआ है, 288 के वो बेकेगा 288 × 36 अपॉन में 648। तो अब आपका यहां पर किस तरीके से जाएगा, इसको मैंने फिर से काटा 6 से 108 बार, 6 से 36 बार, 6 से इसको काटा 6 × 6 = 6 = 48 18 बार, और 18 से जब इसको काटा तो 18 × 18, और फिर यहाँ पर 10 बचा, 18 × 6 = 108, तो 16 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लॉस हुआ था पहले उसको मैंने सीपी निकाला, सीपी से मैंने फिर तीन डजन का ही यहाँ पर एसपी निकाला 20% प्रॉफिट के साथ, फिर मैंने देखा कि 288 में वो 16 ऑरेंजेस को यहाँ पर बेकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू बी विच इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, x travels 4 km per hour slower than y, y reaches place B and at once turn back meeting x 16 km from place B, y speed in km per hour। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका A है, ये आपका यहाँ पर B है, तो A से B की दूरी आपकी 80 km दी हुई है, दोनों ने एक साथ राइड करना स्टार्ट करा, और A x और y यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, y यहाँ पर गया और वापस में यहाँ पर 16 किलोमीटर चल चुका है, और ए अभी तक यहीं, एक्स अभी तक यहीं पहुँचा, यानी कि एक्स ने कितना चला, एक्स ने अभी तक 64 किलोमीटर यहाँ पर चला। तो जब आपका यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और जब आपका टाइम सेम होता है, तो आपका डी ओवर एस यानी कि आपका डी वन ओवर एस वन इक्वल्स डी वन ओवर यहाँ पर आपका एस डी वन ओवर डी टू इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है, एस वन ओवर एस टू यहाँ पर हो जाता है। तो जब आपका टाइम इक्वल होता है यानी कि दोनों का टाइम बराबर है, तो डी वन ओवर डी टू इक्वल्स टू एस वन ओवर एस टू यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्स ने यहाँ पर कितनी दूरी चली 64, और वाई ने यहाँ पर कितनी दूरी चली 80 + 16 यानी कि 96 चल चुका है। तो 16 × 64, 16 × 96 2 3 कितना डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, उस एक की वैल्यू जो दी हुई है 4 km/h दी हुई है, तो ये आपकी 4 हो गई, x की स्पीड आपकी 8 km/h आ गई, और y की स्पीड आपकी 12 km/h यहाँ पर निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपका आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब आपका टाइम इक्वल होता है तो डी वन ओवर डी टू इक्वल टू एस वन ओवर एस टू होता है, तो जो रेशियो हमारा डिस्टेंस का निकल कर आया 2/3 वही स्पीड का हो गया, गैप एक की वैल्यू 4 है, तो वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर 12 km/h निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देर आर 3 नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड नंबर इज 2/7 एंड देट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड नंबर इज 5:8 then the ratio of the first to the third number is। तो यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट और सेकेंड के बीच में रेशियो दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर सेकेंड और थर्ड के बीच में रेशियो दिया हुआ है, तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पर 2/7 दिया हुआ है, यहाँ 5/8 दिया हुआ है, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कराया, इसको 5 से कराया, तो यहाँ पर 5 × 10 यहाँ पर 35 और यहाँ पर 8 × 7 = 56 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। अब आपका फर्स्ट और थर्ड का रेशियो निकालना था, तो फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पर 10 और 56 है, और ये 5:28 यहाँ पर निकल कर आ गए। तो आपका आंसर यहाँ पर इतनी आसानी से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, BD एंड CD आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A, इफ C इक्वल टू 5√13/2 एंड BC इक्वल टू 10 cm, What is the length of BD? तो अब आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और आपसे यहाँ पर जो कह रहा है एंगल A 90 डिग्री है, ये आपका एंगल A है,
ये बी है, सी है, तो दो मीडियन यानी कि बी डी ये वाली मीडियन और सी ई ये वाली मीडियन आपको यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद कहा गया है सी आपका 5√13/2 है, यानी कि सी की वैल्यू 5√13/2 आपको दी हुई है और बी सी आपको यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ पर जो पूछा हुआ है बी डी की लंबाई आपसे पूछी हुई है, तो जब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से मीडियन दी जाती है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 5/4 आपका बी सी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। तो बी डी का स्क्वायर आपको निकाल लेना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5×25 × 13, तो 5×25 × 13 आपका कितना हो जाएगा 325/4 = 5/4 × BC, यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये आपका 100 हो गया यानी कि 500/4। तो बी डी स्क्वायर आपका कितना हो गया 500/4 − 325/4, तो ये आपका 4 आ गया, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 2 जाएंगे 7, 4 में से 3 जाएगा 1 और ये आपका 175/4 निकल कर आ गया। तो बी डी आपका कितना आ जाएगा √175/2। अब 175 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके हमने फैक्टर करें 175, 5 से कितनी आ गया 5 × 15 और 5×25 = 7, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 5√7। तो बी डी आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा 5√7/2 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। जब एक राइट ट्राइंगल में आपको इस तरीके से मीडियंस दी जाए तो आपको सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹480, अ पर्सन बायज इट एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% and 10%, ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज हिज प्रॉफिट इन रुपीज। तो यहां पर मार्क प्राइस एक आर्टिकल का आपको ₹480 दिया हुआ है, जिसको एक आदमी ने 15% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर यहां पर बेच दिया, और फिर जिस आदमी ने खरीदा उसने इसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 480 का यहाँ पर आपने कर लिया कितना 15% डिस्काउंट, यानी कि 20 की चीज आपने 17 की बेची, तो 17/20 और यहाँ पर 9/10 आपका यहाँ पर आ गया। अब आपने यहाँ पर क्या किया, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका किससे कट जाएगा, ये चला गया 4 से 5 बार और ये चला गया 4 से कितनी बार 12 × 48। अब आपका यहाँ पर दिया हुआ है 12 × 17 × 9/5, अब आपको निकालना है 25% प्रॉफिट, यानी कि आपको 1/4 की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। तो फिर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से चला गया 3 बार और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 19 × 7 = 9 × 63 = 153 ये आपका 9 और ये आपका कितना हो जाएगा 3×15 = 3 × 3 = 4 459/5 आ गया, यानी कि 5 × 45 × 5 = 4 + 5 = 40, यानी कि 91.8 रुपीज का यहाँ पर उसको फायदा हुआ। तो आपने 480 का पहले निकाल लिया कि इस आदमी को ये माल कितने का पड़ा, तो ये आपको इतने का पड़ा, इसका 25% निकाल लिया तो 91.8 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 48, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 50.6 एंड दैट ऑफ द लास्ट 13 नंबर इज 47.6, इफ द 7th नंबर इज एक्सक्लूडेड then what is the average of the remaining number to correct to one decimal place। 19 संख्याओं का एवरेज 48 दिया हुआ है, 7 का एवरेज आपको 50.6 दिया हुआ है, 13 का एवरेज 47.6 दिया हुआ है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों को जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे तो आपका 7th नंबर निकल कर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 × 50.6 प्लस 13 × 47.6 माइनस 19 × 48, यहाँ पर आपका 7th नंबर निकल कर आएगा। उस 7th नंबर को इस सम में से हमें घटाना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया 7 × 47.6 प्लस 3 इसको करा, तो आसान यहाँ पर हमने इसको बनाया तो ये आपका 47.6 और ये आपका 912 निकल कर आ गया। 47.6 और 47.6 कॉमन लिया, 13 × 7 = 20 यानी कि 20 × 47.6 और 7 = 21 माइनस 912 आ गया,
जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 6 × 12 और ये आपका 900 माइनस प्लस 21 माइनस 912 आ गया और यहाँ पर आपका 61 निकल कर आ गया। ये आपका 7th नंबर है जो आपका 61 निकल कर आया। 912 में से जब आपने 61 को घटा दिया तो 1 11 में 5 6 गए 5 और 851 आपका यहाँ पर आया। इस 851 को आपको करना पड़ेगा 18 से डिवाइड और आपका यहाँ पर एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो 18 × 72 तो 4 यहाँ पर आ गया। अब आपके पास कितना बचा, 72 यानी कि 13 आपके पास बचा हुआ है। तो 18 × 7 यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 126। अब आपके पास यहाँ पर कितना है, 131, 126 तो 5 बचा यानी कि 18 × 36 18 × 54 तो 18 × 36 यहाँ पर आपके पास आ गया। फिर आपके पास यहाँ पर कितना बचा, 36 × 4 14 बचा। तो अब फिर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 × 95 18 × 7 126 18 × 7 126 आएगा। तो यहाँ पर आपका 7 आता रहेगा और आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है 47.3 यानी कि 47 के आसपास आपका यही आया है और आपके पास 47 के आसपास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो 47.3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 42 मीटर हाई ऑफ सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ सी सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 degrees टू 45 degrees, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। तो आपको यहाँ पर एक लाइट हाउस दिया हुआ है जिसकी लंबाई आपको 42 मीटर दी हुई है और यहाँ पर आपके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है और एक आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो एंगल आपका 30 से 45 पर चेंज होता है यानी कि पहले शिप यहाँ पर है और फिर शिप आपका यहाँ पर आ गया, तो एंगल आपका 30 degrees से 45 degrees यहाँ पर चेंज हो गया। इस ड्यूरेशन में शिप ने यहाँ पर कितना कवर किया वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो आपको अगर यहाँ पर इस तरीके से निकालना है तो इसकी कंप्लीट हाइट आपकी यहाँ पर जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये आपका यहाँ पर टोटल ये आपका √3 होता है और ये आपका 1 के बराबर यहाँ पर होता है तो बचा हुआ आपका √3 - 1 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको जो दिया हुआ है, 1 की वैल्यू आपको 42 दी हुई है और √3 - 1 की वैल्यू आपको निकालनी है जो आपकी 42 √3 - 1 यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सिंपल सा आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अपने कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो में कराए हुए हैं, तो अगर आपको कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर पार्क विद साइड 60 मीटर 112 मीटर एंड 164 मीटर एट द रेट ऑफ 10.50 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि आपको यहां पर एरिया निकालना है और उसको 10.50 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपके पास जो साइड दी हुई है 60, 112 और आपको 164 दी हुई है, तो आप यहां पर इनका सम इसको हीरोन फॉर्मूला से यहां पर सॉल्व करेंगे तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट इन तीनों को जब आपने यहां पर सम करा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको 336 देगा और इसका आधा आपका यहां पर निकल कर कितना आएगा, 2 × 2 2 × 6 = 12 2 × 8 = 16 168 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो 168 मल्टीप्लाई जो 168 में से आपने इसको घटाया तो 108 और यहाँ पर 108 मल्टीप्लाई 168 में से जब 112 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 10 में से 8 जाएंगे यहाँ, 8 में से 2 जाएंगे 6 आया और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा मल्टीप्लाई, अब आपका यहाँ पर 168 में से 4 जाएंगे 4 निकल कर आ जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ गया बाहर। अब आपके पास कितना बचा, ये आपके पास है 7 × 28 और 28 और 28 × 56 यानी कि यहाँ से फिर से आपका 2 निकल कर आ गया। ये आपके पास है 36 × 3 = 108 तो यहाँ पर आपका 6 बाहर निकल कर आ गया। 168 जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 × यहाँ पर 4 × 16 4 × 8 42 यहाँ पर निकल कर आया, तो फिर से यहाँ पर 4 बाहर आ गया तो ये 2 हो गया। अब ये आपका 7 × 6 = 42 है यानी कि आपका ये 42 है और ये भी आपका यहाँ पर 42 है तो आपका 42 यहाँ पर निकल कर बाहर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया तो अब आपका लेवलिंग कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। जब मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया दो जीरो लगाई तो 1 0 से तो 1 0 यहाँ पर पहले ही चली गई,
पांच से चला गया, दो बार पांच से चला जाएगा, 21 बार दो से चला गया यहां पर दो बार। तो अब आपको यहां पर जो करना है सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है, दो दुनी चार चिंग 24, तो 24 आपके पास ये हो गया, और यहां पर 21 दुनी 42 यानी कि 21 21 आपका कितना हो जाएगा 441, और 441 का आप टू टाइम करेंगे तो 882। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में 21063, 21120, 160, 21168 और 21000, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर केवल यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है और ऑप्शन सी में केवल आपका 8 दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन को यूनिट डिजिट से यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ एरिया निकालना था, इससे मल्टीप्लाई कराना था और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एक्स वाई जेड ड्यूरिंग 2013 से 2015 इन करोड़, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का यहाँ पर आपको चार्ट दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है वाई व्हाट परसेंट इज द टोटल एक्सपोर्ट इन 2014 एंड 16 लेस देन द टोटल इम्पोर्ट इन द सेम टू ईयर, यानी कि आपने 2014 और 16 यहां पर लेने हैं और टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यहां पर आपको बताना है कि एक्सपोर्ट कितना कम है इंपोर्ट से। तो 2014 में यहां पर आपका जो एक्सपोर्ट दिया वो इंपोर्ट है वो 360 है, एक्सपोर्ट आपका 300 है। तो ये आपका 360 है, ये आपका 300 है। उसके बाद 2016 में आपका एक्सपोर्ट 400 है, इंपोर्ट आपका 440 है, ये 400 है, ये 440 है, तो ये तो आपका 800 हो गया, ये आपका 700 हो गया, यानी कि कितने की कमी है, 1/8 की कमी है। तो ये आपका 12.5% यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ चार्ट से डाटा कलेक्ट करना था और परसेंटेज आपको पता है कि 800 पे 700 है, यानी कि 100 कम है 800 पे, तो 1/8 12.5% आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। प्रोडक्शन इन लैक टर्म्स पेपर बाय टू कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग 2014 से 2019 तक का प्रोडक्शन ऑफ दिया हुआ है दो कंपनी का, ए और बी का, इन लैक टर्म्स। तो अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी ए 2016 एंड 2019। तो ए का 2016 और 2019 का डाटा लेना है और फिर उसके बाद क्या बताना है, बी का यहाँ पर 2014 और 17 का डाटा लेना है। बी का 2014 और 17 का डाटा लिया, तो ए का 16 और 19 का डाटा यहाँ पर मुझे लेना है। तो ए का 16 का 120 है, 19 का 150 है, तो ये 120 हुआ, ये 150 हुआ और टोटल 270 यहाँ पर हो गया। बी का यहाँ पर 14 और 17 का लिया, तो बी का यहाँ पर 14 का 60 है, 17 का 150 है, तो ये आपका 60 हुआ, ये 150 हुआ, यानी कि ये 210 हुआ। इसी का रेशियो आपको यहाँ पर बताना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 से जाएगा 9 बार, ये 3 से जाएगा 7 बार, और 9:7 आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें आपको चार्ट से सिर्फ डाटा कलेक्ट करना होता है और आपका आंसर आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द डेली अर्निंग ऑफ 50 मेडिकल स्टोर्स इन अ लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम में मेडिकल स्टोर्स की आपको डेली अर्निंग दी हुई है। तो अब आपको बताना है द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर हु डेली अर्न लेस देन 10,000 एंड द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर हु अर्न डेली 1200 एंड अबव, यानी कि 1000 से लेस वाले आपके यहां पर दो चार्ट हैं, तो 16 और 10 यहां पर आपका हो जाएगा, 26 यहां पर हो जाएगा, और 1200 और उससे अबव वाले 8, 6, 14 और 4, 18, ये आपके 18 हो गए। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर्स हुज डेली अर्निंग आर लेस देन 1000 एंड द परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टोर्स हुज अर्निंग आर डेली 1200 एंड अबव। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, डिफरेंस परसेंटेज में निकालना है, तो टोटल यहां पर आपका कितना है वो देख लेंगे, 16, 10, 26, 26 और 6 आपका कितना हो गया 32, और 32 और 18 आपका कितना होता है, ये आपका कितना हो गया 50 आपका ये हो गया। तो आपका ये 26 अपॉन 50 इंटू 100 होगा और ये 18 50 इंटू 100 होगा,
इसका आपको डिफरेंस निकालना है तो आपका यहाँ पर 50 से 100 जाएगा, 2 आएगा, ये भी 100 जाएगा, 2 आएगा, 26 दुनी 52, 18 दुनी 36, 12 में से 6 गए 6 और ये आपका 16% निकल कर आ गया। तो डाटा सिर्फ कलेक्ट करें और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। परसेंटेज दिया हुआ है मतलब आपका टोटल से परसेंटेज निकालना था, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, ये यहाँ पर लिखा, दोनों का परसेंटेज माइनस करा, 16% आंसर आपका निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर बीएससी मैथमेटिक्स बाय टू डिफरेंट कॉलेजेस ए एंड बी इन डिफरेंट 5 ईयर्स। यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का दिया हुआ है दो कॉलेज का, ए और बी का, यहाँ पर 5 सालों में। अब आपसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बाय कॉलेज ए फ्रॉम 2014 से 18, यानी कि 2014 से 18 तक ए का डाटा लेना है, एवरेज उसका निकालना है, और आपका यहाँ पर सेकेंड एवरेज एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय बी फ्रॉम 2014 से 18, यानी कि इसका भी 2014 से 18 का डाटा लेना है, दोनों का एवरेज हमें निकालना है और माइनस कर देना है। तो 14 से 18 एक टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 220, 160, 250, यानी कि 220 ए का डाटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 220, 160, 250, उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है 180, 160, 180 और 160। जब मैंने इसको जोड़ा तो 2, 4, 6, 700 यहाँ पर आ गया, 6, 2, 8, 8 और 5, 13, 13 और 8, 21 और 6, 27, यानी कि 270 यहाँ पर आ गया। तो टोटल जो ए का डाटा निकल कर आया 970 निकल कर आया, जिसका एवरेज 9 बाय हमने 5 से डिवाइड कर दिया। बी का डाटा अगर मैं लिखता हूं तो 150, 240, 170, उसके बाद यहां पर 150, 240, 150, 240, तो ये कितना जाएगा, 2, 4, 6 और 1, 7, ये भी आपका 700 हो गया। उसके बाद 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 7, 25, ये 250 हो गया, यानी कि ये डाटा आपका 950 बाय 5 निकल कर आएगा। दोनों का डिफरेंस करा 20 बाय 5 और आपका यहाँ पर डिफरेंस 4 निकल कर आ गया। तो ये आपका इसका फाइनली आंसर निकल कर आएगा। तो चार्ट में पूरा डाटा आपको दिया हुआ था, डाटा से आपने यहाँ पर एवरेज निकाला और फाइनली आपको जो पूछा गया था वो आपने यहाँ पर निकाल दिया। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।